কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাও করে লে থসরে টেনশন আরে কাও করে লে থসরে টেনশন জব অফসর বনকে তে কর পে ধমাল ये कैसे होगा सर नमस्कार, कैसे हैं आप सब? कंपटीशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। CGPSC 2023 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने जो टॉप MCQ की श्रृंखला जो अपन हमने जो प्रारंभ किया है उसके अंतर्गत आज एक नया टॉपिक लेके मैं आया हूँ जिसका नाम है छत्तीसगढ़ का प्रशासन और पंचायती राज। तो सबसे पहले बेटा आज अपन बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पंचायती राज के बारे में, ठीक है? तो आज जितने भी MCQ होंगे वो पंचायती राज से संबंधित होंगे। ध्यान देना, अगर बात करेंगे पंचायती राज का, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज अपन बात करेंगे जो जिला में प्रशासन है, ठीक है। मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ आपको और टॉपिक के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, MCQ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जिला में जो हमारे पास प्रशासन है, ठीक है बेटा, तो ध्यान देना जिले में हमारे पास जो प्रशासन है उसको अपन क्या करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के बेसिस पे और दूसरा नगरीय क्षेत्र के बेसिस में क्या करते हैं डील करेंगे, ठीक है। एक अपन करेंगे जो प्रशासन रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन एरिया में, सॉरी रूरल एरिया में, दूसरा जो हमारे पास जो प्रशासन है नगर एरिया में, नगरीय क्षेत्र में क्या करेंगे प्रशासन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और संबंधित अपन क्या करेंगे MCQ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपने देखा होगा भारतीय संविधान में जो ग्रामीण निकाय है, जो प्रशासन का जो ग्रामीण निकाय है उसके लिए ये चैप्टर नंबर 9 में है बेटा, याद रखना। भाग नंबर 9 में ग्रामीण निकाय का कॉन्सेप्ट है और भाग नंबर जो हमारे पास 9A है यहाँ पर नगरीय निकाय का क्या है प्रावधान किया गया है, आपको अच्छे से पता होगा, बराबर यहाँ तक इसको ध्यान दे रहा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहले ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन और साथ ही साथ नगरीय क्षेत्र का प्रशासन दोनों को क्या करते हैं अलग अलग लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारे पास MCQ रहेगा, आज का जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रशासन है उस पर अपन क्या करेंगे बात करेंगे। तो मैं देखो एक मोटा मोटी अगर देखा जाए ग्रामीण निकाय संविधान के भाग नंबर 9 पे है और जो हमारे पास नगरीय निकाय है वो भाग नंबर किस पे है बेटा, भाग नंबर 9A में है, इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में अपन जो पंचायती राज पढ़ने वाले हैं उसको बेटा अपन तीन तरीके से पढ़ते हैं, याद रहेगा, ठीक है, तीन तरीके से पढ़ते हैं। देखो पहला अगर देखा जाए भारत, संपूर्ण भारत में, ठीक है, या फिर पूरे देश में, और दूसरा अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में, देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसकी क्या स्थिति है, बराबर यहाँ पर। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि भाई पूरे भारत में पूरे देश में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिला है, आपने पढ़ा होगा, ध्यान रखना पूरे भारत भर में या फिर पूरे देश के लिए पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिला है किसके अनुसार, तो आपने पढ़ा होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बेसिस पर, वही पढ़ा होगा आपने, याद रखना, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती निकाय को संवैधानिक मान्यता दिया गया है, संवैधानिक निकाय बनाया गया है, ये आपने पढ़ा था। सेम चीज अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़, अब ध्यान रहा ये पूरे भारत भर के लिए है, अब इसको छत्तीसगढ़ राज्य में क्या करना है लागू करना है, इस व्यवस्था को लागू करना है। तो ध्यान रहा एक अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के क्षेत्र होंगे, एक होगा हमारे पास सामान्य क्षेत्र, ठीक है, एक होगा हमारे पास सामान्य क्षेत्र और दूसरा हमारे पास होगा शेड्यूल एरिया आदिवासी क्षेत्र, दूसरा क्या होगा शेड्यूल एरिया आदिवासी क्षेत्र होगा, बराबर यहां तक देख लो अच्छे से। तो ध्यान रहे बेटा हमारे पास सामान्य क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जो सामान्य क्षेत्र है वहां पर तो यह हमारे पास 73वां संविधान संशोधन लागू है, लेकिन इसके बेसिस पे हमने क्या किया है याद रखना अलग से कानून बना के रखा था, उस कानून का नाम है छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट या अधिनियम 1993। ध्यान देना भारत सरकार ने क्या किया था पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए यह कानून आया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, अब इसको छत्तीसगढ़ में लागू किया जाना था,
तो ध्यान रहा, मध्य प्रदेश की विधानसभा ने क्या किया था, एक कानून लाया था मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने भी क्या किया, हूबहू लागू कर दिया, इसलिए इसका नाम 1993 है। आपको ये देखना है कि भाई मध्य प्रदेश पंचायती राज लागू जो हमारे पास अधिनियम है वो कब लागू हुआ, विधानसभा में कब पारित हुआ, राज्यपाल जी ने कब साइन किया वो पूछेगा। सेम चीज छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ में कब अधिनियमित हुआ, नोटिफिकेशन कब जारी किया गया, ये पूछेगा आपको। और उसके अलावा अगर देखा जाए इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विधियों का अनुकूलन आदेश कब जारी किया, कब पारित किया, ये आपको ये प्रश्न पूछेगा। शेड्यूल एरिया में अगर प्रशासन करना है इसके लिए अलग से हमने कानून बना के रखा था, पेशा एक्ट 1996, इसका पूरा नाम है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया 1996, याद रहेगा। तो ध्यान देना अपन क्या करेंगे, आज का जो MCQ रहेगा बेटा वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का जो हमारे पास सामान्य परिचय है उस पर बेस्ड रहेगा, और साथ ही साथ जो 73वां संविधान संशोधन है उसका अपन क्या करेंगे, सामान्य परिचय पढ़ेंगे। बराबर यहां तक ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इस बात को आपको याद रखना है जी, बराबर यहां तक ठीक है। और याद रखिएगा जो हमारे पास पंचायती राज है ना, ध्यान देना बेटा ये राज्य सूची का विषय है, किसका विषय है, तो याद रखना राज्य सूची का विषय है हमारे पास कौन, तो क्या बताओगे पंचायती राज, बराबर यहां तक। अब देखो एक चीज मैं बता देता हूं, ठीक है, छोटा सा टॉपिक बताता हूं, जो हमारे पास पंचायत है, पंचायत बनाने के लिए एक अपन बैकग्राउंड पढ़ते हैं, पृष्ठभूमि पढ़ते हैं, ठीक है, किस प्रकार से बना है, हाँ कि नहीं बेटा, ठीक है। तो ध्यान देना पंचायत बना है, पंचायत को हमने संवैधानिक मान्यता दिया है, तो किस बेसिस पे दिया है, तो क्या बताओगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत को हमने क्या किया, संवैधानिक मान्यता दिया है। तो भाई अचानक से तो संवैधानिक मान्यता दिया नहीं होगा हमने कुछ, तो ध्यान देना हमने क्या किया, याद रखिएगा हमने समय समय पर कुछ समितियां बनाई हैं, हमने क्या किया है समय समय पर कुछ समितियां बनाई हैं, याद रहेगा, एक समिति 1957 में बनाया, एक समिति 1970 में बनाया, एक समिति 1985 में बनाया, एक समिति 1986 में बनाया, याद रहेगा यहाँ तक, और एक समिति एक हमने 1988 में बनाया, इतना क्लियर है, इसको ध्यान देना। अब 1957 में कौन सी समिति बनाई बेटा, तो याद रखना बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति बनाया, अशोक मेहता समिति 1977 में बनाया, ठीक है यहाँ तक, जी वी के राव समिति 1985 में बनाया, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनाया 1986 में, फिर पी के थुंगन समिति बनाया कब, तो क्या बताओ 1988 में। तो ये जो समिति है सुनना, ये जितनी भी समिति है इन समितियों ने क्या किया, कुछ ना कुछ सलाह दिया, कुछ ना कुछ सिफारिश दिया, और इन्हीं सिफारिश के बेसिस पे एक आखिरी में क्या हुआ, जो हमारे पास पंचायती राज है उसको संवैधानिक मान्यता मिला, और पंचायती राज को संविधान पंचायत अपन गठन करेंगे इसके लिए आर्टिकल बना, आर्टिकल 40 याद रहेगा। और ध्यान इसके याद रहे, जो हमारे पास अधिनियम है इस अधिनियम के द्वारा हमने क्या किया, पंचायत को संवैधानिक मान्यता दिया है, तब जाके जितने भी राज्य सरकारें हैं उन्होंने क्या किया, अपने अपने राज्य में अलग से विधानसभा में क्या किया, इस अधिनियम को पारित किया और अपने अपने तरीके से पंचायती राज को क्या किया है, लागू किया है, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक को लेकर के आज अपन क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो ध्यान दे, उसके बाद में बता दूं आपको इसी के अंतर्गत एक और छोटी सी बात बताता हूं, जो हमारे पास छत्तीसगढ़ पंचायती राज जो हमारे पास अधिनियम है बेटा, याद रहेगा ध्यान देना, जो हमारे पास छत्तीसगढ़ पंचायती राज जो अधिनियम है, ठीक है यहां तक, इस पुस्तक में ध्यान देना कितने अध्याय हैं ये याद करना, कितने अनुसूची हैं ये याद करना, कितने सेक्शन हैं, कितने धाराएं हैं ये याद करना, ठीक है, इसको क्लियर है बेटा, याद रहेगा कितने हमारे पास धाराएं हैं करके, क्लियर है यहां तक। तो देखो ध्यान से देखना, अध्याय 15 है, अनुसूची 4 है, 132 धाराएं हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में, इसमें 1993 में, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास अध्याय है ना 15, ठीक है, और याद रखना बेटा आर्टिकल कौन सा रहेगा इसके लिए, आर्टिकल आपको याद रखना आर्टिकल 243, ठीक है यहां तक, इसको याद रखना, क्लियर है जी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी बेसिस पे अपन क्या करते हैं, प्रश्न बनाने आज प्रश्न बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक मैंने इंट्रोडक्शन बताने का प्रयास किया है, देखो भाई इंट्रोडक्शन के अंदर पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखो ध्यान से देखो याद रहेगा, पहला क्वेश्चन लेते ही है, प्रश्न पढ़ो, ये भी समिति पे बेस्ड है बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था पीएससी में, प्रश्न पढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन हैं, पंचायत, सांख्यिकी, युक्तिकरण। ठीक है, इस समिति के मुखिया कौन थे? दूसरा, पंचायत राज्य प्रशिक्षण। ठीक है, पंचायत राज्य प्रशिक्षण। तीसरा है पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह। और चौथा है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। तो ध्यान रहे बेटा, इन समिति के मुखिया कौन थे, प्रमुख कौन थे, वो पहचानना है और ऑप्शन सही देना है, याद रहेगा। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे देखा है सही सुमेलित कौन कौन सा है, याद रहेगा, यहां तक इस पॉइंट को याद रखना। देखो, सबसे पहला पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण समिति के मुखिया पी के राव थे, ये सही है, ये बिल्कुल सही है बेटा, गलत नहीं है, याद रहेगा। दूसरा, पंचायती राज प्रशिक्षण समिति के प्रमुख ए एस द्विवेदी नहीं थे जी। ठीक है, बाकी पंचायत और सहकारिता के संबंध में जो जो हमारे पास समिति, इसके प्रमुख याद रखना एस डी मिश्रा जी थे। और उसके अलावा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसके मुखिया कौन थे? जीवीके राव थे। कौन थे हमारे पास? जीवीके राव थे, बराबर। तो इसमें ए सी डी सही है। देखो कहीं ऑप्शन में सी डी है क्या? बिल्कुल है, इसलिए इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। अभी क्या मिलेगा? आई मैंने अभी बताया था आपको कि भाई पंचायतों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों को कैसे लागू किया जाए, ठीक है, संवैधानिक मान्यता कैसे दिया जाए, इसके लिए हमने क्या किया? समय समय पर विभिन्न प्रकार की समिति बनाया। तो ध्यान रखना, जो प्रश्न नंबर एक है उसका उत्तर आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा, ठीक है ना। देखो मैंने कुछ वो बताया था आपको, अब देखो ये प्रश्न आ गया जी, आपको बताना है पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों का आरोही क्रम बताना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम बताना है, कौन पहले आया। तो देखते हैं, बलवंतराव मेहता समिति कब आया था? 1957 को आया था। अशोक मेहता 1977 को आया था। जीवीके राव कब आया था? 1985 में आया था। लक्ष्मीवर सिंघवी समिति 1986 में आया था। अब अरेंज कर लोगी जी, अभी बताया था ये समिति क्यों आया था, तो पंचायतों पर एक प्रकार से फ्रेमवर्क देने के लिए सिफारिश कि क्या किस तरीके से अपन पंचायतों का गठन करें, किस तरीके से पंचायत की स्थापना करें, इन सब पर सलाह देने के लिए इन समिति का गठन भारत सरकार ने अलग अलग समय पर किया था। तो पहले प्रश्न पूछेगा इसको ऑर्डर बताइए बेटा कौन सी समिति, तो बता लोगे कमेंट करके, इसका उत्तर आप लोग बताओगे। जो प्रश्न नंबर दो है इसका उत्तर क्या होगा ये आप बताएंगे, ठीक है, जल्दी कमेंट करो बेटा, आगे बढ़े। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर दो है, इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर चलते हैं। किस पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर तीन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीन क्या है? ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किससे प्रतीत हुई? तो देखो हमारे पास चार समिति है, बलवंतराव मेहता, जीवीके राव, अशोक मेहता और लक्ष्मीबल सिंघवी समिति। प्रश्न पूछा है पंचायत को संवैधानिक मान्यता देना है, ऐसी सिफारिश सबसे पहली बार किस समिति ने दिया? याद रहेगा, मतलब याद रखना संवैधानिक मान्यता देना चाहिए, ठीक है, उदाहरण ऐसी सिफारिश सबसे पहली बार किसने दिया है, जल्दी से बताइए कमेंट करके अगर आपको पता हो, याद रहेगा बताइए भाई। ठीक है, तो ध्यान देना एक समिति बनी थी 1986 में, उस समिति का को नाम याद रखना है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, याद रहेगा। जो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति है, इस समिति ने सिफारिश किया कि भाई जो हमारे पास पंचायती राज है उसको क्या किया जाए, संवैधानिक मान्यता दिया जाए। उन्होंने क्या किया था, सिफारिश दिया था, क्या किया जाए, उसको एक संवैधानिक निकाय बनाया जाए। ये किसने सिफारिश किया था? लक्ष्मीवर सिंघवी समिति ने। कब किया था? 1986 में किया था, बराबर यहां तक। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा जी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो तीन हमारे पास है उसका उत्तर क्या होगा बेटा? तो क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है यहां तक, ठीक है, अगला चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अपन क्या लेते हैं? फोर लेते। पहले पढ़ो जी अच्छे से, एक बार रीड करो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है। ठीक है यहां तक, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है उसको अच्छे से रीड करो। पंचायती राज अधिनियम ये है, ठीक है, 1994 के विषय में सही क्या है? ठीक है यहां तक, तो पंचायती राज अधिनियम, एक सेकंड बेटा, ये 93 है, सुधार लेना इसको, 93 है, ठीक है, लागू 94 में हुआ था, ठीक है, सुधार लेना इसको। पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है?
पंचायती राज अधिनियम 1993 मध्य प्रदेश की विधानसभा द्वारा मूल रूप में पारित किया गया था। बिल्कुल सही है भाई। ध्यान देना, पहली बार क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है उसको भारतीय संसद ने पारित किया था, जिसके माध्यम से पंचायत को संवैधानिक मान्यता मिला। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि पंचायत राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय, इसका यह मतलब है कि भाई राज्य सरकारों को विधानसभा में भी क्या करना पड़ेगा, कानून बना करके पारित करना पड़ेगा। तो कानून बनाया एमपी की विधानसभा ने, कब, 1993 में, जो लागू हुआ था 1994 में, बराबर। तो ध्यान देना, ये ऑप्शन सही है। दूसरा चलते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने इसको अप्रूवल दिया था, बिल्कुल दिया था, याद रहेगा, बिल्कुल दिया था। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत, एडॉप्ट किया था, क्या किया था, कब किया था, 1 नवंबर वर्ष 2000 को, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ की विधानसभा सरकार ने क्या किया था, इसको एडॉप्ट किया था, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है जी, ठीक है। अगला चलते हैं, यह 1 नवंबर वर्ष 2000 को अधिसूचित किया गया था, नोटिफाई किया गया था, नहीं, गलत है। इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पुनः पारित किया था, नहीं, मैंने बोला था अगर पुनः पारित किया जाता तो भाई विधियों का अनुकूलन आदेश नहीं आता, जो जून 2001 में हमने लाया था। उदाहरण देना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को छत्तीसगढ़ के विधानसभा ने पुनः पारित नहीं किया था, विधि के अनुकूलन आदेश के द्वारा जहां जहां पर मध्य प्रदेश शब्द लिखा हुआ है उसको छत्तीसगढ़ शब्द पढ़ा जाए, ऐसा लिखा गया है, बराबर। आगे इसे ऑप्शन नंबर एफ को पढ़ो, इस पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की है, जब बेटा विधानसभा ने पारित किया ही नहीं है तो राष्ट्रपति तक क्यों जाएगा वो, यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है, बिल्कुल ये सही है। इसलिए ए बी सी और जी सही है, बाकी डी, सॉरी, ठीक है, डी ई एफ गलत है। देखो ऑप्शन में ए बी सी जी सही, इसलिए इसका उत्तर क्या मिलेगा, सी मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या मिलेगा बेटा, सी मिलेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है, देख लो अच्छे से, जो प्रश्न नंबर 4 है इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, सी, ठीक है ना, देख लो, क्लियर है, देख लो, कोई डाउट तो नहीं। कहने का मतलब ये है भाई, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को संवैधानिक मान्यता दिया गया, पहला चीज। राज्य एमपी के राज्य सरकार ने, एमपी सरकार ने क्या किया, अपनी विधानसभा में पारित किया, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में पारित नहीं करवा करके राज्यपाल के आदेश के द्वारा इसको क्या किया, लागू करवाई, इसको अपन क्या कहते हैं, विधि का अनुकूलन आदेश कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में आते हैं, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के पश्चात अभी तक कितने संशोधन हुए हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, इनमें से कोई, नीचे लोग बताओ कमेंट करके। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताओ कि भाई छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितनी बार संशोधन हुआ है, ये आप बताएंगे, जल्दी बताओ भाई कमेंट करके, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है, यहां तक जल्दी बताओ भाई, क्लियर है यहां तक, जल्दी जल्दी बताइए। तो देखो ध्यान देने, चीज बताता हूं, 2000 से 2022 की अगर बात करोगे, 2022 तक ना छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में बेटा 10 बार संशोधन हो चुका है, कितने बार संशोधन हो चुका है, 10 बार संशोधन हो चुका है, इसको याद रखना, क्लियर है। देखो और अगर देखा जाए 2000 से लेकर के 2012 तक ना 3 बार हुआ था, ठीक है, इसको नहीं बताता हूं, 2000 से 2022 तक कितनी बार संशोधन है, 10 बार, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा, इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा, याद रहेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी बार संशोधन हुआ है बेटा, 10, कितना बार, 10 बार, 2022 तक 10 बार हुआ है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है, इसका उत्तर बताओगे बेटा। देखो इसमें कितने अध्याय है पूछ रहा है, अध्याय के साथ साथ कितने शेड्यूल है ये पूछ रहा है, और शेड्यूल के साथ साथ कितने सेक्शन है, कितने धाराएं हैं, ये आपसे पूछ रहा है, आया समझ में। तो मैंने बताया था कितने अध्याय थे, 15, कितने अनुसूची थे, 4, कितने धाराएं थे, 132, दिख रहा है कहीं पे, जल्दी बताओ, देखो भाई अभी दिख रहा है क्या,
तो ध्यान देना, 15 132 धाराएं, 4 अनुसूची, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या होगा? सी होगा बेटा। क्लियर है यहां तक? देख लो ना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कितने अध्याय हैं, कितने धारा हैं, कितने अनुसूची, ये मैंने बता दिया था आपको। क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा, ये मैंने आपको पहले से बता दिया था। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जरूर पढ़िएगा। आज एकदम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं पंचायती राज के। ठीक है, यहां तक इसको याद रखिएगा बेटा। क्लियर है ना यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहां पे एक महत्वपूर्ण यहां पे प्रश्न शेड्यूल पे आ गया है। शेड्यूल 4 है, तो जो शेड्यूल नंबर 4 है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था किया गया है, उन व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया यहां तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? ध्यान रखना, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा देखते हैं। शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 हमारे पास दो लिस्ट दिया गया है, और ये देखते हैं। क्लियर है यहां तक? देख लो अच्छे से, ध्यान देना। धारा नंबर जो 80 है, धारा नंबर 80 है, क्या है बताएंगे इस पे? शेड्यूल नंबर 1 पे धारा नंबर 80 का उल्लेख है, याद रहेगा यहां तक? इतना क्लियर हुआ जी, इसको याद रखना। तो 1 का उत्तर क्या होगा? बी होगा। समझ में आया यहां तक? इसको देख लो अच्छे से, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए धारा 77 की उपधारा 1 जो है, ये धारा नंबर किस पे है? अनुसूची नंबर 2 पे है। ठीक है यहां तक? फिर याद रखना, धारा 77 की उपधारा 2 जो है वो अनुसूची नंबर 3 पे है, और ये हूबहू किस पे है? 53 की उपधारा 1 कहां पर है? शेड्यूल नंबर 4 पे है। ठीक है ना, देख लो अच्छे से। धारा 80 किसके अंतर्गत है? शेड्यूल नंबर 1 के अंतर्गत है। उसके बाद धारा 77.1 कहां पर है? शेड्यूल नंबर 2 पे है। धारा 77.2 कहां पर है? शेड्यूल नंबर 3 पे है। धारा 53.1 कहां पर है? शेड्यूल नंबर 4 पे, याद रहेगा। इसलिए कहां पे दिख रहा है भाई, क्या होगा उसका उत्तर? बी सी ए डी, कहीं भी दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है आपको? ठीक है भाई, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। जो प्रश्न नंबर 7 है, इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा बेटा? 7 मिलेगा। देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक प्रश्न है जो किससे आया है? सीधा सीधा शेड्यूल से आया है। तो प्लीज इसको देखिएगा, मैं टॉपिक वाइज आपको पंचायती राज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, याद रखना। ठीक है ना, अभी सामान्य परिचय, जैसे छत्तीसगढ़ का पंचायती राज अधिनियम हो गया, 73वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया, ठीक है, और शेड्यूल से जुड़ा हुआ प्रश्न, ये अपन आज कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक इसको देख लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगला अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है बेटा, अगला है पेशा, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। ठीक है ना, ये हमने कानून जो बनाया है किस समिति के सिफारिश पर बनाया है, याद रहेगा? तो ध्यान रहे बेटा, ये जो हमारे पे कानून बनाया है 1996 में ये पारित हुआ है, लागू हुआ है, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, मतलब शेड्यूल एरिया में जो पंचायत है, ठीक है, इसके कार्यक्रमों को, इनके प्रावधानों को अपन कैसे लागू करेंगे, किस प्रकार से जनता का विकास करेंगे, उनको सेवाएं अपन सर्विस प्रदान करेंगे, ठीक है, और एक प्रकार से लोकतंत्र के आधार को कैसे प्रतिबिंबित करेंगे, परिलक्षित करेंगे, ये सब दिया गया है पेशा एक्ट 1996 में। और ध्यान रहे, ये जो हमारे पास कानून जो हमने बनाया है, ये बनाया है भूरिया आयोग की सिफारिश पर, जो भूरिया समिति बना था, भूरिया समिति की सिफारिश पर ये हमने कानून बनाया था। कहीं भी दिख रहा है भूरिया? बिल्कुल। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, बराबर। इसको प्लीज याद रखिएगा, भूरिया समिति की सिफारिश पर क्या बना था? पेशा अधिनियम 1996 बना है बेटा। ठीक है, यहां तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को अपन और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न नंबर 9 पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं उसके बाद इसको बनाने का प्रयास करते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी उन विषयों की सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है? ये बताया था बी आपको, कौन सा शेड्यूल है? भाग नंबर 9 है, लेकिन भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुसूची है, ठीक है, जिनमें उन विषयों को लिस्टेड किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है, जहां पर पंचायतों को कुछ विषय हस्तांतरित किया जाता है राज्य कानून द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रहे बेटा, जैसे भाग की बात करोगे, भाग और शेड्यूल की बात करोगे, अनुसूची की बात करोगे, ठीक है,
अगर वो ग्रामीण निकाय है रूरल एरिया है, अगर वो नगरी इकाय है अर्बन एरिया है, ठीक है। देखो यही बता देता हूं, ध्यान दे रहा, ग्रामीण निकाय में जो प्रशासन है इसका उल्लेख भाग नंबर 9 पे है, और नगरी निकाय में जो प्रशासन है इसका उल्लेख भाग नंबर 9 ए में है। किस पे भाग नंबर 9 में है? भाग नंबर 9 ए में है। बराबर यहां तक? ग्रामीण निकाय में जो प्रशासन है उसका व्यवस्था, ठीक है, शेड्यूल नंबर किसमें किया गया है? 11 में किया गया है। और नगरी निकाय में जो प्रशासन उसके लिए व्यवस्था शेड्यूल नंबर किसमें किया गया है? 12 में किया गया है। बराबर, क्योंकि भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल हैं? 12, याद रहेगा। तो शेड्यूल नंबर 11 जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के लिए है, और शेड्यूल नंबर 12 जो है वो नगरी क्षेत्र है। इसलिए आप बताइए या इसका उत्तर क्या होगा बेटा, ठीक है, जल्दी बताओ। तो हम पढ़ रहे ग्रामीण निकाय, तो इसलिए इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, संविधान की 11वीं अनुसूची, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इसमें, ठीक है, आता है, इसको प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? ग्राम सभा का अर्थ है एक निकाय जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर गांव स्तर पर एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होता है, ठीक है। इसमें कि ये बोला गया है कि भाई ग्राम सभा के मेंबर कौन है, तो ग्राम सभा के मेंबर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है। क्या है? वोटर आईडी कार्ड है, वीआईसी है, समझ में आया। उनको ग्राम सभा के पदेन मेंबर कहते हैं, पदेन सदस्य कहते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 243A, किसमें किया गया है? आर्टिकल 243A में हमने क्या किया? ग्राम सभा का व्यवस्था किया है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखना, जो प्रश्न नंबर 10 है इसका उत्तर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए मिलेगा भाई, समझ में आया यहां तक? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। क्लियर है यहां तक? देख लो अच्छे से, कोई डाउट है बेटा किसी को? समझ में आया जी? देख लो, ठीक है ना। ये ग्राम सभा क्या होते है वो मैंने बता दिया, ग्राम सभा के मेंबर कौन होते वो मैंने बता दिया, और ग्राम सभा के लिए हमने कौन सा व्यवस्था किया है ये भी मैंने अभी आपको बता दिया है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर कहां की ओर चलते हैं अपन? 11 की ओर चलते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखना। क्लियर है? ठीक है भाई, प्रश्न पढ़िए। 11वीं अनुसूची में आर्टिकल 243G के अंतर्गत कितने विषय को सम्मिलित किया गया है, ठीक है यहां तक? इससे पहले मैं आपको बताता हूं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, बताता हूं, तो देख लो अच्छे से। देखो, ध्यान देना, जो आर्टिकल 243 है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास 15 अलग अलग टॉपिक है, ए बी सी डी ई हो गया, ठीक है, इसके बाद एफ जी एच आई जे हो गया, फिर है के एल एम एन ओ हो गया, ठीक है। तो इसमें पहले तो ये आप कह लो बेटा, आर्टिकल 243 ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, ई में क्या है, इसके आने वाले जो प्रश्न है इसी पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको मैं आपको यहीं पे बता देता हूं ताकि आने वाला जो एमसीक्यू है वो इजीली आपसे बन जाए, ठीक है। तक अगर किसी बच्चे को पता है कि आर्टिकल 243 ए क्या है तो वो कमेंट करके बता सकता है, आया समझ में? जल्दी बताओ भाई कमेंट करके, आर्टिकल 243 ए क्या है? तो आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। बच्चों को शिकायत रहता है बहुत छोटा लिखते हो, अब बड़ा लिखूंगा आगे नहीं। तो ध्यान, आर्टिकल 243 ए में किसका प्रावधान किया गया? ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। दूसरा, आर्टिकल 243 बी में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, क्योंकि ये ग्रामीण निकाय है, स्थानीय निकाय है, तो इनका गठन हम कैसे करते हैं उसका प्रावधान आर्टिकल 243 बी में किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी पंचायतें हैं उनकी संरचना, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मतलब सरपंच है, पंच कितने होते हैं और उप सरपंच, ठीक है यहां तक। उदाहरण, कौन कौन जो सदस्य है वो स्ट्रक्चर में शामिल होगा, जैसे ग्राम पंचायत है तो सरपंच होगा, उप सरपंच होगा, पंच होंगे, पंच कितने हो सकते हैं,
मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 अगर ग्राम पंचायत हो तो। जनपद की बात करोगे तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य होंगे, लेकिन कितने जनपद सदस्य हो सकते हैं, 10 या फिर 25, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 25। जिला की बात करोगे तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जिला सदस्य होगा, सदस्य कम से कम 10 हो सकते हैं और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं बेटा, 35, 35 हो सकते हैं, बराबर। इसी को पूछा, ये हमारे पास आर्टिकल 243 सी हो गया। आगे पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 243 डी में है, और ध्यान देना आरक्षण केवल और केवल जब कानून बना था उसमें शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने क्या किया है, अलग से छत्तीसगढ़ के पंचायत में एसटी एससी वर्ग के अलावा ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण के मापदंड में शामिल किया है, बराबर यहां तक। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज के लिए एसटी एससी ओबीसी तीनों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। याद रखियो, क्योंकि बेटा पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य विधानसभा जो चाहे इस कानून में संशोधन कर सकता है, ठीक है, यहां तक इसको याद रखना, इतना क्लियर है। आर्टिकल 243 ई में बोला गया है पंचायत के पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 साल होगा तो कब से माना जाएगा, तो ध्यान रहे बेटा जब चुनाव हो जाता है, चुनाव होने के बाद जब पदाधिकारी शपथ लेते हैं तो जब प्रथम बैठक होता है, प्रथम बैठक से लेकर के लगातार 5 साल तक पंचायत का कार्यकाल माना जाता है, इसको रट लेना, ठीक है। 243 के बाद अगर देखा जाए एफ में, ध्यान रहे बेटा इसमें है एलिजिबिलिटी योग्यता या फिर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 243 एफ में क्या है, जो अगर सरपंच बनेगा, उप सरपंच बनेगा या जनपद का सॉरी पंचायत का पंच बनेगा, तो कौन व्यक्ति पंच बन सकता है, उप सरपंच बन सकता है या फिर सरपंच बन सकता है, क्या योग्यता उनकी होगी, इसका प्रावधान आर्टिकल 243 एफ में किया गया है, एफ, ठीक है। जी की अगर बात करोगे आर्टिकल 243 जी, बराबर यहां तक इसको प्लीज याद रखना, यह बहुत जरूरी है। इसमें पंचायत की शक्ति का, पंचायत के प्राधिकार का और पंचायत के उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है, किसका प्रावधान किया गया है, पंचायतों की शक्ति प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व आर्टिकल 243 जी, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। टोटल ग्राम पंचायत के लिए या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी पंचायतें हैं उनको 29 विषय दिए गए हैं काम करने के लिए, वो 29 अलग अलग क्षेत्र पे काम कर सकते हैं। सेम अगर नगरी क्षेत्र की बात करेंगे तो इन लोग 18 विषय पर काम कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे अपन, ठीक है, ठीक है। आगे अगर देखा जाए आर्टिकल 243 एच, इस पर अगर देखा जाए टैक्स, पंचायत की टैक्स लगाने की शक्ति, दो प्रकार का टैक्स होगा, एक अनिवार्य टैक्स होगा और एक होगा वैकल्पिक टैक्स, याद रहेगा। उसके अलावा पंचायत का अकाउंट पढ़ेंगे, पंचायत की निधि पढ़ेंगे, तो ये आर्टिकल 243 एच पे है बेटा, याद रहेगा। इसके बाद आर्टिकल 243 आई पे आपको मिलेगा राज्य वित्त आयोग, क्या मिलेगा, राज्य वित्त आयोग मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आयोग के बाद अपन क्या करेंगे, पंचायत के अकाउंट का ऑडिट पढ़ना है, पंचायत के लेखाओं का संपरीक्षा पढ़ना है, याद रहेगा। क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 243 एच जे में क्या है, पंचायत के लेखाओं का ऑडिट संपरीक्षापन पढ़ेंगे, क्लियर है यहां तक, इस बात को याद रखना। फिर अपन पढ़ते हैं के की ओर, तो ध्यान रहे बेटा केक में आपको मिलेगा राज्य निर्वाचन आयोग, क्या आपको मिलेगा, राज्य निर्वाचन आयोग मिलेगा आर्टिकल 243 के में, ठीक है। के के बाद ध्यान देना पंचायती राज का लागू होना, ये आर्टिकल एल में है, ठीक है। एम में है पंचायती राज का लागू ना होना, एन में है पंचायती राज का बने रहना, और याद रखना अगर देखा जाए अगर पंचायत के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो इस विवाद में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, न्यायालय सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसके लिए आपने जो अधिकारी बना के रखा है एसडीएम जी हो गए, नायब तहसीलदार जी हो गए, जो तहसील है कलेक्टर है, इन लोग क्या करेंगे, पहले तो उस विवाद का निराकरण करने का प्रयास करेंगे, प्राइमरी काम उनका है, याद रहेगा। तो ध्यान में बेटा ये है आर्टिकल 243 से जुड़े हुए 15 अलग अलग विषय जिस पर काम किया जाता है,
बराबर यहां तक। अब इसी के बेसिस पे अपन आने वाले जो प्रश्न है उसको करते हैं, ठीक है? ठीक है भाई, आगे देखो। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 पे कि 11वीं अनुसूची में आर्टिकल 243 जी अभी बताया था कि अंतर्गत कितने विषय शामिल किया गया, तो याद रखना इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी मिलेगा कि आर्टिकल 243 जी जिसमें हमने क्या किया है, पंचायतों की शक्ति, पंचायतों के प्राधिकार और पंचायतों के उत्तरदायित्व पर हमने क्या किया है, व्यवस्था किया है, क्लियर है? जिसके अंतर्गत कितने विषय, 29, ठीक है? ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, ठीक है? देखो क्या है, समझते हैं। संविधान के किस अनुसूची में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना या फिर गठन का निर्देश दिया गया है? याद रहेगा उदाहरण बेटा, ग्राम पंचायत की स्थापना करना है वो किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा ये आपको मिलेगा आर्टिकल 40 होगा बराबर यहां पर इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर जो 12 है इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा बेटा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है ना? दो लिस्ट दिया गया है, अभी देखो ये तो बन जाना चाहिए, अभी मैंने बताया है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। आर्टिकल 243 आई, आई का मतलब इनकम वित्त आयोग, जे, ठीक है, और के, के के बाद एल, याद रहेगा ये हमारे पास क्या है कुछ, ठीक है? इसका उत्तर आप लोग दोगे बेटा, जल्दी दो, तो चलो कमेंट करके बताओ इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, जल्दी फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ठीक है जी? जो प्रश्न नंबर 13 है, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा इसको जल्दी बताइए आप लोग, चलिए बताए तो पढ़ाए फिर। देखो आई का मतलब राज्य वित्त आयोग, ठीक है, जे का मतलब बताया था लेखा की संपरीक्षा, ठीक है, और के का मतलब क्या होगा, तो याद रखना पंचायतों के लिए निर्वाचन, ठीक है, के, और एल का मतलब क्या होगा, पंचायती राज का बने रहना, ठीक है बेटा, इसको याद रखना, क्लियर है? इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 4231 दिख रहे कहीं पे ऑप्शन में देखो तो, ठीक है बेटा, याद रखना इसका उत्तर क्या होगा, 4231, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ध्यान देना इसका उत्तर ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, याद रखना बेटा इसका उत्तर क्या होगा, 4231, ठीक है ना, प्लीज इसको देखिएगा, जो मैंने उत्तर बताया है ये इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा प्रश्न नंबर 13 का, ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, देख लेना बेटा जो मैंने उत्तर बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार रीड करो आप लोग क्या है और बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था रायपुर में 2004 में जून के महीने में, इसमें जो भी पंचायती संस्थान है, ठीक है, इनका अपन इनका जो भी डिमांड है, ठीक है, गांव पे जो लोग रहते हैं उनकी मांग को अपन पूरा कैसे कर सके, उनको कैसे सेवा जो सर्विस है जल्द से जल्द बिना किसी भ्रष्टाचार के बिना किसी रुकावट के कैसे प्रदान सेवा उपलब्ध करा सके, कैसे पंचायतों को में कनेक्टिविटी बढ़ा सके, ठीक है, कैसे पदाधिकारी को रिस्पॉन्सिबल बना सके, इन सभी विषय पर चर्चा करने के लिए जून 2004 में क्या हुआ था, बैठक हुआ था रायपुर पे। इसलिए जो गोलमेज सम्मेलन है देख लो कहीं अभी दिख रहा है क्या बेटा, देख लो अच्छे से, ठीक है, याद रहेगा, ध्यान देना इसका उत्तर है जून 2004, ऑप्शन गलत लिखा है, ध्यान दे बेटा इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, जून 2004, ठीक है, थोड़ा सा गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहां तक याद रहेगा, देखो टाइपिंग मिस्टेक, अब यही भाई पीएससी में तो क्या होता है, विलोपित हो जाता, क्योंकि यहां पे तो अपन सुधार सकते हैं ना, इसको याद रखना, तो इसे याद रखना, पंचायतों से संबंधित जो हमारे पास गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था, जून 2004, ठीक है, इसमें से एक भी नहीं है, ठीक है, यही समझना, अगर प्रश्न का उत्तर गलत है तो विलोपित करेगा, समझ में आया तक, लेकिन याद रखना आपको पता होना चाहिए इसका उत्तर क्या है, जून 2004, ठीक है यहां तक, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। निम्न में से कौन सा निगमित निकाय है, कॉर्पोरेट बॉडी है, निगमित निकाय बराबर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत,
कि ग्राम पंचायत, बताइए प्रश्न नंबर 15 का मतलब क्या है, कौन सा एक निगमित निकाय है। क्लियर है? तो बेटा पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, निगमित निकाय का मतलब क्या होता है, ऐसा निकाय जिसका सामूहिक पहचान हो, ऐसा निकाय जिसका अपना एक सामूहिक पहचान हो, ना कि व्यक्तिगत पहचान, ना कि व्यक्तिगत पहचान। आया समझ में? तो ध्यान, अगर किसी निकाय का सामूहिक पहचान है, समूह के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान उसको पर क्या कहते हैं, निगमित निकाय। तो बेटा ग्राम पंचायत का अपने आप में समूह है, जनपद पंचायत का समूह है, जिला पंचायत, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी बताए, 15 का उत्तर क्या होगा जल्दी बताओ, तो कमेंट करके बताइए भाई इसका उत्तर क्या होगा। तो ध्यान देना, इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों के तीनों कैसे निकाय हैं, निगमित निकाय, चाहे वो जिला बोलो, जनपद बोलो, ग्राम बोलो। बराबर यहां तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करते हैं। 16 क्या है, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रकट होती है, जल्दी बताओ। जो स्थानीय स्वशासन है उसकी शक्ति कौन देता है, कानून देता है, राज्य सरकार देता है, कि केंद्र सरकार देता है, कि ऑप्शन में है एकोकन नहीं, इनमें से कोई नहीं, बताओ क्या होगा जल्दी बताइए भाई। तो ध्यान रहे बेटा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जितने भी संवैधानिक निकाय है, इनकी शक्ति ना कोई नहीं देगा, केवल और केवल भारत का संविधान से इन्हें स्वतः ही शक्ति प्राप्त होगा। भारतीय संविधान में इनके संबंध में जो भी बातें कही गई है, वही बातें इनको संविधान के द्वारा प्रदत्त या उपलब्ध शक्ति है। बराबर? तो ध्यान देना, अब जब बात होती है जितनी भी हमारे पास स्थानीय निकाय, उनको शक्ति कौन प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान, ठीक है, ना कि कानून, ना तो राज्य सरकार, ना तो राष्ट्रपति, कौन देता है, तो क्या बताओगे, भारत का सरकार, सॉरी भारत का संविधान देता है। याद रहेगा, इसको याद रखिएगा। क्लियर हुआ जी? ठीक है, तो ये सामान्य परिचय के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 17 में आते हैं, पढ़ो अच्छे से। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है, मतलब अगर हम पंचायत में कुछ चुनाव ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे चुनाव होता है हर 5 साल पे चुनाव होता है, तो भाई चुनाव कैसे करना है, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष करना है, अप्रत्यक्ष करना है, संशोधन करना है, तो संशोधन कहां होगा, कानून बनाना है या फिर नियम बनाना है, तो बेटा एकमात्र शक्ति किसकी होती है, तो याद रखेगा हमेशा किसका, असेंबली का। उदाहरण देना, इसका उत्तर क्या होगा, विधानसभा का, अगर वो राज्य है, किसका होगा, विधानसभा का अगर क्या है, राज्य है। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना, ठीक है, विधानसभा, या फिर अगर लिखा जाए तो कौन कर सकता है, राज्य सरकार बनाएगा, क्योंकि कौन सा हमारे पास विषय है, तो याद रखना हमारे पास पंचायती राज कैसा विषय है, राज्य सूची का विषय है, इस बात को याद रखना। या तो नियम बनाएगा सरकार, और कानून कहां बनाएंगे, सरकार के द्वारा, विधानसभा में। बराबर यहां तक? तो ध्यान में, चूंकि पंचायती राज्य सूची का विषय है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका उत्तर आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी भाई फटाफट बताइए। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन के आयोग के परामर्श पर, ठीक है, यहां तक इतना क्लियर है? तो ध्यान रहे बेटा, निर्वाचन के संबंध में नियम बनाने का जो अधिकार है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट उत्तर अगर देखा जाए, इसका एग्जैक्ट अब उत्तर मिलेगा, क्योंकि ये ऑप्शन याद रखना बेटा, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, इस पे लेना है विधानसभा। क्या लोगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्लियर है, इसको याद रखिएगा। समझ में आया? ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये था हमारे पास कुछ प्रश्न है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान रहे बेटा, ये हमारे पास हो गया आज छत्तीसगढ़ के पंचायती राज का जो सामान्य परिचय है, उससे महत्वपूर्ण हमारे पास क्या हो गया, एमसीक्यू होगा, ठीक है। इसके बाद कल अपन क्या करेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जो भी इसकी विशेषता है ग्राम सभा, उस पर अपन कल बात करते हैं। तो आज विदा लेते हैं, कल महत्वपूर्ण टॉपिक के एमसीक्यू में लाऊंगा, ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू सो मच।